हेलो कक्षा 11 के सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। इस सत्र में मुझे कक्षा 11 के साहित्यिक हिंदी के बच्चों को पढ़ाने का अवसर मिला है और ये वही बच्चे हैं जिन्हें मैंने क्लास 10th में पढ़ाया था और रिज़ल्ट भी काफ़ी अच्छा आया आप लोगों का। आप लोगों को मेरी तरफ़ से ढेर सारी शुभकामनाएँ और उसी तरह से आप लोग आगे भी मेहनत करते जाइए तो कक्षा 11 भी आप अच्छे से पढ़ कर के पास हो जाएंगे। तो उस दिन मैंने आप लोगों से व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज डाला था कि आप लोगों के पास बुक है या नहीं, पढ़ाई शुरू करें, क्योंकि बिना बुक के तो पढ़ाई करना व्यर्थ ही है। क्योंकि मैं बोल दूँगी, हालांकि आप लोगों का जब कोई मैसेज नहीं आया तो अब यही है कि मैं जो पढ़ाऊँगी तो PPT बना करके इस पर वीडियो में डालूँगी, जिससे कि अगर आपके पास बुक ना भी हो तो भी आप उसे अच्छे से पढ़ सकें। तो जो भी बच्चे 11th में साहित्यिक हिंदी पढ़ रहे हैं उन सभी बच्चों से मेरा अनुरोध है कि बेटा थोड़ा सा आप लोगों को अब 10th से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आगे की पढ़ाई के लिए, और जो कुछ भी आगे पढ़ना है वो सब पिछले से ही जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है कि जो आपने क्लास 10th में पढ़ा है उसका कोई रिलेशन नहीं रहा या उसको आपको नहीं पढ़ना है, उसको भी पढ़ना है। उसके साथ साथ आगे भी आपको कुछ और भी पढ़ना है। तो अगर आपके पास 10th का मैटर है तो आप उसको संभाल के रखिएगा, क्योंकि वो सारी चीज़ें आपको 11th में भी काम आएंगी, जैसे गद्य का इतिहास, पद्य का इतिहास, व्याकरण वगैरह जो हमने आपको बताया था, उन सारी चीज़ों का यूज़ जो है वो इसमें भी होगा। तो आप लोग कमर कस लीजिए अब आगे की पढ़ाई के लिए, क्योंकि काफ़ी समय जा चुका है, आपका रिज़ल्ट भी देर से आया, अभी इस कॉलेज नहीं खुला हुआ है, तो घर बैठ कर के ही पढ़ाई करनी है। तो कोई बात नहीं, अब तो आप सारा दिन घर पे रहेंगे, कहीं आना जाना नहीं है, तो आप ज़्यादा समय पढ़ाई को दे सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि आपको ज़्यादा अवसर मिल गया है पढ़ाई करने का, और वो भी बिना किसी रोक टोक और बाधा के। तो आज से हम आपको पढ़ाना शुरू करेंगे, इसके लिए एक बार फिर से आपको बेस्ट ऑफ लक कि आप लोग अच्छे से पढ़िए। आगे ये आप देख रहे हैं कौन है, मैं ही तो हूँ, जो बोल रही हूँ वही दिख भी रही हूँ। ये मेरा परिचय है, शायद मैंने कभी स्कूल में आपको नहीं बताया अपने क्वालिफ़िकेशन के बारे में कि ग्रेजुएशन हमने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से किया, MA अवध यूनिवर्सिटी से किया, BEd MP से किया, और 15-16 साल से तो आप ही को पढ़ा रही हूँ, लगभग 15-16 साल हो गए आप लोगों को पढ़ाते हुए, उससे पहले भी मैंने पढ़ाया। तो यही मेरा अपना परिचय है कि इतने सालों से मैं पढ़ा रही हूँ आप लोगों को। अब आगे मुझे पढ़ाना क्या क्या है आप लोग माइंड मेकअप कर लीजिए। देखिए बेटा, आप लोगों का अब पहले तो मैं आपको कोर्स बता दूँ है क्या। गद्य है, पद्य है, संस्कृत है, कथा भारती है, और 11th में आपका नाटक है गरुड़ ध्वज। ये चार चीज़ें हैं जो आपकी बुक्स होंगी जिसे आपको पढ़ना है। इसके अलावा साहित्यिक हिंदी के लिए ग्रामर भी बहुत है, संधि है, समास है, प्रत्यय है, विभक्ति है, ये अनुवाद है, ये सारी चीज़ें व्याकरण में आपको पढ़नी होगी। तो कोर्स तो काफ़ी ज़्यादा है, हालांकि अभी सरकार के माध्यम से ये कहा गया है कि 30% का कोर्स कम किया जाएगा। चलिए, वो 30% का कोर्स क्या कम होगा हमें भी कोई ऐसी सूचना मिली नहीं है, लेकिन शुरुआत तो हमको करनी ही है। तो गद्य में आपके 10 चैप्टर हैं, पद्य में भी आपके 10-11 चैप्टर हैं,
और संस्कृत में आपके 10 चैप्टर हैं जो आपको पढ़ने हैं। कथा भारती में 5 कहानियाँ हैं। इन कहानियों जैसे आप एकांकी पढ़ते थे, 9th में आपने एकांकी पढ़ी थी, तो उसमें से कथा वस्तु लिखने को आती थी, चरित्र चित्रण लिखने को आता था, ठीक उसी तरह से कथा भारती में भी 5 कहानियाँ हैं 11th में, जिसमें या तो कथा वस्तु लिखने को आएगी और या तो प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण। इसके अतिरिक्त जैसे आपने 10th में खंड काव्य पढ़ा था, तो खंड काव्य अभी 11th में नहीं है, खंड काव्य 12th में आएगा। पहले था लेकिन जब से अब एक पेपर होने लगा तो खंड काव्य को 12th में कर दिया है, क्योंकि बहुत लंदी पेपर हो जाता है, बच्चे कर नहीं पाते हैं, तो इसके लिए इसको 12th में कर दिया गया है। 11th में आपका एक नाटक रखा गया है जिसका नाम है गरुड़ ध्वज। ऐसे तो कई नाटक है लेकिन आपके ज़िले का जो नाटक है वो है गरुड़ ध्वज, क्योंकि ये नाटक जो है ज़िले के अनुसार अलग अलग है। तो आपका अपना प्रतापगढ़ ज़िला है और इस ज़िले में आपका गरुड़ ध्वज नाटक चलेगा, तो आपको गरुड़ ध्वज ही पढ़ना है। अब इस गरुड़ ध्वज नाटक में आपको नाटक की कथा वस्तु है जो कि 3 अंकों में है, आपको वो पढ़ना होगा। इसके अलावा कई पात्र हैं जिनका चरित्र चित्रण है, 2 पुरुष पात्र हैं, 2 स्त्री पात्र हैं, उन चारों का चरित्र चित्रण रटना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त नाटक का क्या उद्देश्य है आपको ये भी रटना पड़ेगा। ये आपका गरुड़ ध्वज नाटक है जिसके बारे में आपको इतना पढ़ना पड़ेगा, और व्याकरण तो वो हम आपको अलग से पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे। तो ये जितनी किताबें थी वो हमने उसके बारे में हमने आपको बता दिया। अब हम आपको कैसे पढ़ाएंगे वो आपको बता दे रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। पहले हम शुरुआत पद्य से करते हैं, क्योंकि पद्य को पढ़ाने में थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि अब थोड़े बड़े बड़े चैप्टर हैं और थोड़ा सा अब उसमें, हालांकि हमने 10th में आपको उसी तरह से तैयार किया जैसे हमको 11th में बच्चे चाहिए, लेकिन फिर भी आपको बता देते हैं कि आपको सबसे पहले संकेत, उसके बाद संदर्भ, प्रसंग तो अब कंपलसरी, हाई स्कूल में कभी कभी आप लोग छोड़ देते थे जिसके लिए हमेशा आपको डांटते थे, कहते थे, समझाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है, आपको लिखना पड़ेगा। आप लोग कहते मैम क्वेश्चन में दिया नहीं, बेटा संदर्भ सहित व्याख्या, संदर्भ देना है। अब हम व्याख्या करने के पहले क्या बताने जा रहे हैं, हम एक बार वो तो बताएंगे ही ना। जैसे आप स्टेज पर आते हो, आप कभी कुछ बोलना चाहते हो तो आप पहले अपना नाम, अपना इंट्रोडक्शन देते हो, और फिर आप किसके बारे में बताना चाहते हो, बोलना चाहते हो, उसके बारे में बताते हो कि नहीं, कि मुझे ये टॉपिक मिला है, इस टॉपिक के अंतर्गत मैं आपको ये बताने जा रही हूँ। कि उसी तरह से जो गद्यांश या पद्यांश आता है, उस गद्यांश पद्यांश में हम किस चीज़ की व्याख्या करने जा रहे हैं, हमें ये तो बताना ही पड़ेगा ना। तो आप लोगों का बार बार ये कहना जो है वो सेंसलेस है कि क्वेश्चन में लिखा नहीं, क्वेश्चन में इतना ही लिखा रहता है संदर्भ सहित व्याख्या करिए। तो संदर्भ अगर आपने लिखा है तो आपको प्रसंग लिखना ही पड़ेगा, उसमें कहने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि संदर्भ और प्रसंग एक दूसरे के पूरक हैं, एक के बिना दूसरा अधूरा है, दूसरे के बिना पहला अधूरा है। तो अब दोबारा ये गलती मत करिएगा, और चूँकि साहित्यिक हिंदी है तो आपका नंबर भी कटेगा, तो ये ध्यान में रखिएगा, संदर्भ लिखा है तो प्रसंग भी आपको लिखना है। तो संदर्भ लिखा, प्रसंग लिखा, फिर उसकी व्याख्या की, और फिर उसके बाद लास्ट में काव्यगत सौंदर्य, जो हमने आपको हाई स्कूल में भी बताया है, काव्यगत सौंदर्य में भाषा, रस, छंद, अलंकार, ये चीज़ें इतनी आपको लिखनी होगी। कुछ विशेष होता है तो हम वो भी लिख देते हैं। तो 10 नंबर का आता है, 10 नंबर का गद्यांश की व्याख्या, 10 नंबर की पद्यांश की व्याख्या, और इस तरह से आती है। जीवनी जैसे पहले आती थी अब भी आएगी, लेकिन जीवनी लिखने का जो तरीका है वो थोड़ा सा बदल गया है। अब लेखक या कवि का साहित्यिक परिचय पूछा जाता है। पहले आप साहित्यिक परिचय शॉर्ट फॉर्म में लिखते थे, जीवन परिचय ज़्यादा लिखते थे, लेकिन अब उसका उल्टा हो गया है।
अब आप जीवन परिचय शॉर्ट में लिखोगे और साहित्यिक परिचय ज़्यादा, यानी उस लेखक या कवि ने साहित्य के में अपना योगदान किस किस रूप में दिया है उसके बारे में आपको डिटेल में लिखना पड़ेगा। विधाएं, पुस्तकें, कृतियां, हमने हाई स्कूल से इसीलिए आपकी हैबिट डाली थी कि कृतियां विधा के अनुसार, कहानी है तो अलग, निबंध है तो अलग, नाटक है तो अलग, या जो भी उन्होंने लिखा है विधा के अनुसार आपको कृतियां लिखनी है। सारी नहीं लिखनी है, हर विधा की अगर आप दो दो भी लिख देते हैं तो भी बहुत है। और इसके अलावा, इसके बाद भाषा और शैली, पहले भाषा और शैली आप एक में लिखते थे, अब एक में नहीं होगी, पहले भाषा लिखिएगा, इन भाषाओं का उन्होंने प्रयोग किया है, उनकी भाषा कैसी थी, और उसके बाद शैली, अब शैली में भी आपका प्रकार होगा, हर लेखक कई प्रकार की शैलियों का प्रयोग करता है, तो आपको उस लेखक ने या कवि ने किन किन शैलियों का प्रयोग किया है, आपको उन शैलियों के बारे में थोड़ा थोड़ा, बहुत थोड़ा थोड़ा, डेढ़ या दो दो लाइन में हर शैली के बारे में लिखना होगा। अगर नहीं मिलता है तो आप उसका उदाहरण ही दे सकते हैं, आपके पास गाइड वगैरह होगी, जब आप खोल के देखेंगे तो आपको पता मिल जाएगा, तो आपको उदाहरण के साथ शैलियों के बारे में लिखना, इतना लिखा जाता है। अब समस्या इस बात की होगी कि पहले हिंदी का दो पेपर होता था तो समय मिल जाता था हमें करने का, लेकिन अब उन दोनों को मिलाकर एक कर दिया गया है और मैटर सारे वही हैं, तो अब आपको अपनी लिखने की जो स्पीड है, जो क्षमता है, वो बढ़ानी पड़ेगी, यानी तेज़ी से लिखना होगा, और उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। टाइम बाउंड, हर चीज़ का आपको हम टाइम बता देंगे कि किसको कितने मिनट में लिखना है, दो जीवनी है तो दो जीवनी को आपको आधे घंटे से ज़्यादा समय नहीं देना है, अगर आपने आधे घंटे से ज़्यादा समय दिया तो इसका मतलब है कि आपने किसी एक क्वेश्चन का समय ज़्यादा ले लिया और वो क्वेश्चन आपका छूट जाएगा। आपको कोशिश करनी है पहली बात तो 12 या 13 मिनट में पूरा हो जाए, हम तो कह रहे हैं 12 या 13 नहीं 25 मिनट में, लेकिन मैक्सिमम हमने आधा घंटा रख दिया है, इसलिए रखा है कि आपकी सारे टॉपिक्स आ जाएं। आप लोग गलती वही करते हो, लंबा चौड़ा जीवन परिचय देते हो, साहित्यिक परिचय देते हैं, जबकि आपको साहित्यिक परिचय लिखना होता है तो वो आप देते नहीं, इसलिए नंबर मिलता नहीं है। उसी तरह से जब कवियों की बात आती है तो कवियों का भी जीवन परिचय शॉर्ट फॉर्म में देना, एक बॉक्स बना लीजिए, बॉक्स में छोटा सा उनका जीवन परिचय, यानी उनका नाम, उनका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, कहाँ हुआ, कहाँ वो मरे, उनके माता पिता कौन थे, उनकी शिक्षा क्या थी, उनकी पत्नी कौन थी, उनके गुरु कौन थे, वगैरह वगैरह, जो मेन मेन चीज़ है वो आप एक बॉक्स बना करके लिख सकते हो। इसके बाद आता है साहित्यिक परिचय, ये साहित्यिक परिचय काव्यगत काव्यगत विशेषताओं के अंतर्गत होती है, जिसमें दो पक्ष होते हैं, एक भाव पक्ष होता है, एक कला पक्ष होता है। भाव पक्ष के अंतर्गत अब हर कवि आप जो पढ़ते हैं, कबीर, सूर, तुलसी या जो जो पढ़ेंगे, उन्होंने अपनी रचनाओं के द्वारा बहुत कुछ समाज में करने का प्रयास किया है, तो उन्होंने अपनी कृतियों के द्वारा क्या क्या समाज के लिए किया है आपको वो लिखना पड़ेगा उदाहरण के साथ। ये आपका, जैसे मान लो उदाहरण स्वरूप पहला चैप्टर कबीर दास जी का है, तो कबीर दास जी ने क्या क्या किया, पहली बात उन्होंने गुरु की महत्ता पर बल दिया, उन्होंने जात पात का विरोध किया, उन्होंने हिंदू मुस्लिम पर जो है प्रहार किया, तो इस तरह से उन्होंने कई चीज, मूर्ति पूजा का विरोध किया, तो उस तरह से उन्होंने कई चीज को, कई चीज़ों को अपने साहित्य में समाहित किया है, तो उन सारी चीज़ों के बारे में आपको अलग अलग उदाहरण के साथ देना पड़ेगा। ये भाव पक्ष के अंतर्गत आता है। और उसके बाद आता है कला पक्ष। कला पक्ष का तात्पर्य है कि उन्होंने अपनी कृतियों में किस भाषा का प्रयोग किया, कौन कौन से रस का प्रयोग किया, कौन कौन से छंद का, अलंकार का, शैली का, ये सारी चीज़ें कला पक्ष के अंतर्गत। ए पान
कपड़ा उठा लो, कला पक्ष का, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी। जब तक आप ये नहीं लिखोगे तब तक आपको नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि जीवन पर ये साहित्यिक परिचय 5-5 नंबर का होता है, यानी 10 नंबर का। तो 10 नंबर में आपको कुछ लिखना तो पड़ेगा, क्योंकि आप साहित्यिक हिंदी के छात्र हो तो आपसे एक्सपेक्टेशन भी की जाएगी। ये सोच करके अभी आप घर बैठे हो, ये सारी चीज़ें आप लिख रटो और रट करके उसे शॉर्ट में लिखो और उसे एक समय सीमा में बांध करके लिखने की कोशिश करो और लिखने की स्पीड बनाओ। क्योंकि जब एग्ज़ाम होगा, पहली बार जब बच्चे 11 के एग्ज़ाम देते हैं तो हमने तो देखा है कई कई बच्चे कहते हैं मैम मेरा 20 नंबर का छूट गया, कोई कहता है 25 नंबर का छूट गया, कोई कहता है 30 नंबर का छूट गया। तो छूटता इसीलिए है, आप लोग रट तो लेते हो लेकिन उसका लिखने का अभ्यास कभी नहीं करते हो। तो अभी आपके पास पूरा समय है, आप उसे लिख करके प्रयास करो, स्पीड को बढ़ाओ, जिससे कि आपकी स्पीड बनी रहे लिखने की। यही चीज़ें हम हाई स्कूल में आपको बार बार प्रैक्टिस कराते थे, इसीलिए रोज़ लिखवाते थे कि आप लोगों की जो लिखने की स्पीड है वो बनी रहे। तो ये इतनी चीज़ें आपको तैयार करनी है घर बैठे ही। जैसे गरुड़ ध्वज, आप पहला तो आपको जीवन परिचय आपको घर पे तैयार करना है। पद्य में 3 जीवन परिचय तैयार कर लीजिए और गद्य में भी 3 जीवन परिचय। जो आपके किताब टेक्स्ट बुक में जो लिखा हुआ है जीवन परिचय वो नहीं, उससे काम नहीं चलेगा। हम जीवन परिचय आपको बताएंगे शॉर्ट फॉर्म में बताएंगे, जब भी हम चैप्टर पढ़ाएंगे कोई जिस लेखक या कवि का पढ़ाएंगे उसका जीवन परिचय हम शॉर्ट फॉर्म में आपको बताएंगे। आपको उसको डिटेल करना पड़ेगा, उसके लिए आपको गाइड का सहारा लेना पड़ेगा, तो वो काम आपको करना है। तो आप जीवन परिचय घर पर बैठ कर के रट डालिए, गरुड़ ध्वज नाटक है उसे आप रट डालिए, कि इसमें आपको क्या क्या रटना है। कथा वस्तु 3 अंकों में है, प्रथम अंक, द्वितीय अंक और तृतीय अंक, तीनों अंक की कथा वस्तु आप रट डालिए, रट करके लिख करके प्रैक्टिस कर लीजिए। कभी कभी 1 अंक की लिखने को आती है और कभी कभी 3 अंक की लिखने की आती है, तो ये आपको सोच कर लिखना है कि अगर 1 अंक की आएगी तो पूरा डिटेल में लिखना है 1 अंक में, अगर 3 अंक की आती है तो हर अंक का थोड़ा थोड़ा लेकर के 12 या 13 मिनट में पूरा करना है आपको पूरी कथा वस्तु। तो ये पहला क्वेश्चन गरुड़ ध्वज का कथा वस्तु हो गई। दूसरा क्वेश्चन हो गया है आपका चरित्र चित्रण। गरुड़ ध्वज में पहले तो पुरुष पात्र 2 हैं, आप उनका चरित्र चित्रण रट लीजिएगा। 1 हैं विक्रम मित्र, ये उस गरुड़ ध्वज नाटक के मुख्य पात्र हैं विक्रम मित्र, और दूसरे हैं कालिदास। ये 2 पुरुष पात्र हैं, 2 स्त्री पात्र हैं बासंती और मलयवती, ये 2 स्त्री पात्र हैं, इन दोनों का भी चरित्र चित्रण लिखना होगा। तो ये 4 प्रश्न हैं, ये आपको लिखना याद करना पड़ेगा, याद करके लिखने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बचे 2 प्रश्न अभी, और एक उद्देश्य बचा आपका अखंड काव्य का, और एक चीज़ और है, ये प्रश्न हम कोशिश करेंगे अगर तब तक स्कूल खुल जाएगा तो आपको लिखवा देंगे, क्योंकि आप लोग उद्देश्य ढूंढ नहीं पाओगे ढंग से, किताबों में मिलता नहीं है, और हमने जो है कई जगह से कई किताबों को देख करके एक बनाया हुआ है, तो वो हम आपको लिखवा देंगे। तो वो आपको अगर मिल जाएगा तो ठीक है, अगर मान लीजिए ऑनलाइन क्लास ही चलेगी, नहीं स्कूल खुलता है तो हम इसी के माध्यम से ही आपको वो भी दे देंगे। तो आपको ये चीज़ें घर बैठ करके ही तैयार करनी है। 2 चीज़ें कथा भारती में आप 2 कहानियाँ पढ़ सकते हैं। कथा भारती क्लासें पढ़ाने की चीज़ नहीं है, हम आपको क्लास में बैठ कर कहानी, क्या कहानी तो वैसे भी मनोरंजन की चीज़ें होती हैं, आप घर बैठे ही कहानियाँ पढ़ सकते हो, पढ़ लीजिएगा। कथा वस्तु उसमें रटने की चीज़ नहीं है, आपने कहानी पढ़ी और उसकी कथा वस्तु आपको बस कहानी पढ़ के उसी आधार पर देनी होगी। साथ साथ जब एक चीज़ आप लोग और करिएगा कि जब आप लोग कोई कथा वस्तु लिखते हो कहानी की, तो बीच बीच में उस कहानी का कुछ कुछ उदाहरण भी डाला करिए, इससे पता चले। नहीं तो आप लोग सीधे से खाली बस कथा वस्तु लिख देते हो और उस कहानी का कोई भी अंश उस कथा वस्तु में नहीं है।
यह सही तरीका नहीं है। इससे साफ पता चलता है कि आप रटंत विद्या का सहारा ले रहे हो, खाली आपने रट लिया कहीं से और उसको उतार दिया नकल करके। तो बेटा अब बड़े हो गए हो आप, 10th के बाद 11th में आ गए हो, तो थोड़ा सा आपका जो लेखन का तरीका है वो बदलना चाहिए। तो जब भी आप कहानियाँ लिखिए, बीच बीच में थोड़े थोड़े उस कहानी के अंश, जैसे कि नीत का वार्तालाप है, कुछ विशेष कहा गया है, तो आप उसको थोड़ा थोड़ा बीच में लिख सकते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं, 1, 2 या 3 अगर आप दे दीजिए उतना ही बहुत है। तो वो 2 कहानियाँ पढ़ना आपका काम है। चरित्र चित्रण हम आपको बता देंगे कि कैसे आपको लिखना है। 9th में हमने बताया था, इसमें भी हम आपको बता देंगे। नहीं तो गाइड अगर है आपके पास तो उसमें आपको लिखा हुआ मिलेगा, आप रट सकते हैं। अभी मेनली हम आपको पद्य और संस्कृत पढ़ाएंगे, क्योंकि वो समझाने की चीज़ है। गद्य भी हम अभी ऑनलाइन नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि गद्य तो आप खुद पढ़ करके समझ सकते हैं, क्योंकि अब आपका जो दिमाग है आप उस मैच्योरिटी पर धीरे धीरे पहुंच रहा है, जहां पर कि आपको स्वाध्याय करना है और स्वाध्याय करके समझना भी है। स्वाध्याय माने अपने से अध्ययन करिए। तो गद्य आप अपने से पढ़िए, डीपली पढ़िए, एक एक पैराग्राफ पढ़िए, समझने की कोशिश करिए कि लेखक कहना क्या चाह रहा है। तो ये गद्य हम आपको स्कूल में ही पढ़ा पाएंगे, और पद्य और संस्कृत चूँकि आप नहीं समझ पाओगे वो हम ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से पढ़ाएंगे। तो हम आपको अभी क्या क्या पढ़ाएंगे ये आपका दिया हुआ है। देखिए पहला लेक्चर कबीरदास जी का रहेगा, यानी पद्य में पहला चैप्टर कबीरदास जी का है, उसके बारे में हम आपको पढ़ाएंगे। फिर उसके बाद संस्कृत, आपको बोरिंग ना लगे, संस्कृत का एक चैप्टर पढ़ा देंगे वंदना। फिर तीसरा पार्ट, फिर हम आ जाएंगे पद्य पर सूरदास। फिर चौथा चैप्टर फिर संस्कृत का रहेगा, दूसरा मतलब जो है वो प्रयाग। और पांचवा लेक्चर मेरा फिर तुलसीदास का रहेगा। फिर इस तरह से इस क्रम से हम आपको पढ़ाएंगे। ये जितना क्रम बना है वैसे भी ये आपका 1.5 महीने का कोर्स है, मतलब पढ़ाने लायक हो गया है। ये मत समझिएगा कि कबीरदास जी जो है वो एक लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा। कबीरदास जी का जो चैप्टर है वो कम से कम 4-5 लेक्चर चलेगा। और स्कूल खुलने पर जितना हम पढ़ाए रहेंगे उसमें फिर आप ये मत कहिएगा मैम समझ में नहीं है, क्योंकि ये तो वीडियो हम डालेंगे, 1 नहीं 1000 बार आप वीडियो देखिएगा। क्लास में तो ये रहता है हम पढ़ा के चले आए, आपने सुना, हो सकता है बहुत सी चीज़ें आप भूल गए, लेकिन ये वीडियो हमेशा आपके साथ रहेगी। आप लोग जब भी चाहिए खोल करके देख लीजिएगा। एक चीज़ और बता दें कि मेरे ये सारे वीडियोस मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी पड़े रहेंगे। मेरा टेलीग्राम चैनल भी है जिसका कि लिंक आपको हम भेज देंगे, आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आप उस टेलीग्राम चैनल से भी आप जब भी चाहें उसे खोल करके पढ़ सकते हैं। जब कभी भी आपको लगे हम कुछ भूल रहे हैं, नहीं जान समझ पा रहे हैं, तो आप उसे खोल करके पढ़ लीजिएगा। तो ये सारे लेक्चर मेरे YouTube पर भी रहेंगे और टेलीग्राम चैनल पर भी रहेंगे। तो आपको जहाँ सुविधा हो आप वहाँ से लेकर के उसे पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब अगले लेक्चर में हम आपको पहला चैप्टर कबीरदास जी का लेकर के आएंगे और फिर उसके बारे में पढ़ाएंगे। उसके जाने से पहले आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है बेटा, कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आए, तो आप लाइक करना ज़रूर। सबसे पहले आप जब भी वीडियो खोलना तुरंत लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर कोई बच्चा और भी है तो आप मेरे वीडियोस को वहाँ शेयर अवश्य करिएगा। तो ये 3 चीज़ हमें आपसे चाहिए, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, 3 चीज़। और उसके बदले में जितना भी हम आप हमसे मांगेंगे वो हम आपको देंगे, और हमें कुछ नहीं चाहिए, इसके साथ साथ नंबर भी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे।